आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि नवरात्र का आज नौवा दिन है। आज मंदिरों में माँ भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन माता के नौवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। मंदिरों में भारी भीड़ जुटी हुई है। लोग माता के नौवे स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने व्रत आज खोला है और आज मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर माँ भगवती के पंडालों में भी भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिल रही है। पूजा अनुष्ठान हो रहा है। देश भर में इस वक्त माँ भवानी की पूजा अर्चना से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। माँ के जयकारे से गूंज रहा है मंदिर परिसर। कहते हैं कि 9 दिन माँ भगवती स्वयं पृथ्वी लोक पर रहती हैं, तो ऐसे में विशेष मान्यता आज के दिन की है और आज माता के नौवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में माता रानी का विशेष अनुष्ठान हो रहा है। आज रात में भी इसी तरीके से मंदिर पंडालों में भीड़ जुटने की उम्मीद है और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके इतर आपको ये भी बताते चले कि कल क्योंकि विजयादशमी है तो उसको लेकर के भी विशेष इंतजाम अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नवरात्रि का आज नौवा दिन है और आज के दिन माता के नौवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। जगह जगह भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों से इस वक्त जुड़ गए। मिर्जापुर से चतुरानंद मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। इसके अलावा वाराणसी से मेरे साथ मेरे सहयोगी हरेंद्र मौजूद हैं। सबसे पहले काशी आपको ले चलते हैं, प्रभु शिव की नगरी। वहां पर किस तरीके की इस वक्त धूम देखने को मिल रही है हरेंद्र? और क्योंकि आज नवरात्र का नौवा दिन है, आज के दिन की अपनी एक अलग मान्यता है, वहां पर भक्त किस तरीके से मैया रानी को पूज रहे हैं? तो वैसे भी शिव की नगरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी में कुल 648 पूजा पंडाल लगाए गए हैं और यहाँ नवरात्र में 9 मंदिर है। 9 देवियों के नाम से, माँ दुर्गा के नाम से मंदिर है कि जहाँ पे श्रद्धालु प्रातः 3 बजे मंगला आरती के बाद जिस दिन दिन होता है, जैसे कि आज सिद्धिदात्री जी का दिन है, तो आज माँ सिद्धिदात्री जो लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, उनसे धन धान की कामना के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है मंगला आरती के बाद से मंदिरों में कतारबद्ध होकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की भी कामना कर रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि काशी शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। और यहाँ पे माँ विशालाक्षी का मंदिर है, माँ कुष्मांडा का मंदिर है। ऐसे में काशी पूरे शक्तियों से ही, पूरे ब्रह्मांड की में काशी ही एक ऐसी जगह है कि पूरे शक्तियों से ये घिरी पड़ी है। और मैं इस समय जो है नव दुर्गा मंदिर पे हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु बिल्कुल जो है जा रहे हैं और माँ के चरणों में शीश नवा रहे हैं और सुख शांति की कामना के लिए। हरेंद्र, आपके पीछे मुझे भक्त भी नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो तो जरा उनसे बात कीजिएगा। क्या नाम है आपका? बहन जी यहाँ जी क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा मंजू जी, डेली दर्शन करने आती है माता जी को? अच्छा अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? अच्छा सोनारपुरा रहती हैं। बहन जी आप भी आ जाइए। सोनारपुरा तो कहा जाता है कि पूरे दशहरा के दिन बंगाल के रूप में तब्दील हो जाता है, हाँ मिनी बंगाल कहा जाता है। तो माता जी का दर्शन पूजन हो गया, आराम से हो गया है। बहन जी आपका क्या नाम है? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ अच्छा, बहू आपकी, आप यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा नितिन जी, तो दर्शन पूजन बच्चे नहीं आए? ठीक है, भक्तों की अपनी श्रद्धा है और इसी वजह से सुबह की शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरीके से किया है। लौट रही हूँ थानेश्वर में, आप मेरे साथ हरेंद्र मौजूद है, थानेश्वर भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। थानेश्वर आती हूँ आपके पास, एक बार मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं जहाँ से हमारे साथ हमारे सहयोगी चतुरानंद मौजूद हैं। वहाँ की किस तरीके की तस्वीरें और आपके पीछे मुझे हलचल भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में? लगा हुआ है सुबह से ही। हेलो जी जी, अपनी बात कंप्लीट करें। भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पे माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो जिसकी वजह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं हवन कुंड है
और वो हवन कुंड मतलब सुबह से ही कंटिन्यू भरा हुआ है, उस तरफ बैरिकेड है, हम उधर कैमरा लेकर नहीं जा सकते। और यहाँ सुबह से ही करीब हजारों भक्तों ने हवन कर चुके हैं और अभी पूरा दिन हवन चलेगा। और यहाँ पे 9 दिन तक जो कंटिन्यू रहते हैं वो आखिरी दिन हवन करते हैं और यहाँ पे हवन का बहुत महत्व है। आइए हम भक्तों से कुछ जानते हैं। भैया आपका नाम संजय जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप 9 दिन आप 9 दिन दर्शन करने आते हैं, आज माता की तरह माता को चढ़ाने के लिए क्या क्या लाए हैं? अड़हुल का फूल माता का प्रिय है, इस वजह से क्या कामना लेके आए हैं माता के पास? ठीक है चतुरानंद, वैसे भी कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता हैं और इसी वजह से लोग चाहते हैं कि जो भी मनोकामना लेकर के वो पहुँचे हैं मैया के दरबार पर, उनकी मनोकामना की पूर्ति हो। मैं लौट रही हूँ आपके पास, थानेश्वर का रुख कर लेते हैं जो कि चंडीगढ़ से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। थानेश्वर, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहाँ से कैसी तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को? सिद्धिदात्री माता मनसा देवी के मंदिर में आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से आए भक्तों के यहाँ लंबा तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से भक्त माता जी माता सिद्धिदात्री का दिन है। सिद्धिदात्री माता सिद्धियों की दाता है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री माता की सिद्धि की थी, तभी उनको अर्धनारीश्वर का शरीर प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। माँ को कमल के फूल बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि माता मनसा देवी के दरबार में कमल के फूल और गुलाब के फूलों से माँ का श्रृंगार किया गया, क्योंकि कमल और गुलाब के जो फूल है माँ सिद्धिदात्री को बहुत पसंद है। लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है माँ सिद्धिदात्री को। और सबसे बड़ी बात है कि आज अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है। 12:06 अष्टमी का कन्या पूजन रहेगा, उसके बाद नौमी का कन्या पूजन शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मंदिर प्रशासन ने अपने गार्ड लगाए हैं और हरियाणा पुलिस ने अपने गार्ड लगा रखे हैं, क्योंकि भक्तों का यहाँ तांता बहुत ज्यादा लगने वाला है। कोई माँ को लड्डू का भोग लगा रहा है, कोई पेड़े का भोग लगा रहा है, सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिद्धिदात्री की पूजा के दिन यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी के घर में बरकत नहीं पड़ती, किसी के घर में ग्रह क्लेश रहता है या किसी कन्या का विवाह नहीं होता, वो सच्चे मन से यदि सिद्धिदात्री माता की पूजा करती है, उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पण करती है और लाल चुनरी चढ़ाकर उनका श्रृंगार करती है, तो उसकी हर मनोकामना 40 दिन के अंदर हर हाल में पूरी हो जाती है, ऐसा दुर्गा पुराण के अंदर वर्णन है। कई लोगों ने इसको किया है तो उसका फल भी उन्हें सिद्धि प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सिद्धिदात्री मनसा के दरबार पे आए हुए लोग अलग अलग तरीके से आए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जी। और कहते भी हैं थानेश्वर, क्योंकि वैसे भी माँ मनसा देवी की तो अपनी मान्यता है, वहाँ पर पर्यटकों का तो हुजूम उमड़ता है, श्रद्धालु तो हर दिन 365 दिन वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन नवरात्रों में वहाँ पर खासा भीड़ देखने को मिलती है। अगर मैं प्रशासनिक लिहाज से बात कर रही हूँ तो वहाँ पर और क्या कुछ प्रबंध है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, और क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि आज अष्टमी और नवमी दोनों है, तो इस वजह से वहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ जुटेगी, तो इसको लेकर के किस तरीके के प्रबंध आप देख पा रहे हैं थानेश्वर? की ड्यूटी लगाई गई है, मंदिर प्रशासन की तरफ से 485 गार्ड लगाए गए हैं और हरियाणा पुलिस की तरफ से 950 पुलिस के जवान लगाए हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर और सब इंस्पेक्टर तक के सारे शामिल हैं। 4 DSP की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, जो कि पूरी प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ माता के भक्त यहाँ आ रहे हैं। माता जी कह रहे हैं कि सवाल ही आ रही है, जिस तरीके से माता की वो खिलाते हुए माता के नारे लगाते हुए आ रही है, ये माँ सिद्धि का माँ सिद्धिदात्री के रूप में जो माँ मनसा की पूजा हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि रूप में जो माँ मनसा की पूजा हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि माता के दरबार में आकर कुछ मांगना नहीं पड़ता। माँ अपने भक्तों का चेहरा देख के सब माप लेती है, जिस तरीके से बच्चे को भूख लगी होती है तो माँ उसका चेहरा देख के माप लेती है कि इसे भूख लगी है, उसी तरीके माँ मनसा देवी भी यही करती है। माँ गर्भगृह के जो हम आपको माता मनसा देवी के अलौकिक दर्शन जो करा रहे हैं, इस दर्शन को पाने के लिए देवता भी कहते हैं कि धरती पर आ जाते हैं, क्योंकि माँ मनसा का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो इस तरह का स्वरूप है कि जैसे माँ मनसा अभी आपसे देख रहे हैं वो माँ मनसा देवी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। मैं लौट रही हूँ देहरादून का रुख कर लेती हूँ। हरीश थपलियाल मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, और उत्तराखंड में किस तरीके से और देहरादून में विशेष तौर पर आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की किस तरीके से हरीश पूजा हो रही है? जी देखिए, आज के दिन उत्तराखंड में भी
सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं भक्त हैं धीरे धीरे मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ये मानता है कि जो माता है ससुराल भी उत्तराखंड में ही है और मायका भी यहीं पर है, तो इस लिहाज से उत्तराखंड बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के काली मंदिर रायपुर इलाके में है, आप देख सकते हैं श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री के मंदिर में पहुँच रहे हैं। हम सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए क्या कुछ विशेष महत्व यहाँ पर किया जाता है आज के दिन के लिए, तो हम हमारे साथ पुजारी हैं उनसे जानना चाहेंगे। पुजारी जी, आज के दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, क्या कुछ महत्व है? विशेष मेरा नाम आचार्य थानेश्वर जी है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, आज के ही दिन नहीं है, ये पूरे 9 दिन तक विशेष माँ की अवत पूजा की जाती है। विशेष 9 दिन तक ही अवत विशेष नवरात्र अवत माना जाता है और माँ की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से अवत उनकी माँ का ही नवा रूप है, नवा रूप नवमी सिद्धिदात्री है और 8वां रूप आज जो है वो महाअष्टमी है, महाकालिका रूप है, इसलिए हम यहाँ महाकालिका के रूप में पूजा करते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, तृतीय दिन में तृतीय चंद्र घंटे के रूप में, नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने दर्शकों तक विशेष जानकारी पहुंचाई, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्रि का आज 9वां दिन है और ये विशेष अनुष्ठान जो कि इन 9 दिन भक्त करते हैं, और आज माँ सिद्धिदात्री से यही कामना करते हुए कि माँ सभी सिद्धियों को प्राप्त भक्त करें और माँ सभी सिद्धियों का आशीर्वाद भक्तों को दें।